हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू विद द टॉपिक। कल आप लोग डिवीजन वाला पैटर्न पढ़ रहे थे, उसी डिवीजन वाले पैटर्न को हम लोग आज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन लिखिए, ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स इफ one of its zeros is one। क्या बोला हमें? Obtain all the zeros। हमें zeros find करना है। अगर हमारे पास में एक जीरो की वैल्यू कैसे दे रखी है, वन। एक जीरो वन है, मतलब x इक्वल टू वन। इसे हम लोग लिखेंगे x माइनस वन, इधर लेकर आइए, x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस पॉलिनोमियल को x माइनस वन से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, जीरो। यही चीज आप लोगों ने नाइन्थ में भी करी है। नाइन्थ में हम लोगों ने हर एक जगह जहां जहां x है वहां पे वन रख दिया और बोल दिया कि हाँ आंसर जीरो आता है, आता है। Therefore, it is a zero of polynomial। अब यहाँ पर क्या बोला है? पहले हम लोग प्रूव कर देते कि whether it is a zero of polynomial or not। अब हमें दिया है कि yes, it is a zero of polynomial and find all other zeros। इसके अंदर जो दूसरे दूसरे zeros हैं, उन्हें भी find करें। पहली बार आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्यूब है, मतलब इसका पावर हाईएस्ट डिग्री जो है वो थ्री आ रही है, मतलब इसके पास zeros कितने हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कैन बी थ्री, हाईएस्ट डिग्री थ्री है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कैन बी थ्री। एक जीरो हमें दे रखा है, मतलब हमें कोशिश करनी है कि हमें दो जीरोस और मिल जाए। ठीक है, बात पता चलती है। तो सबसे पहली बात कि जो जीरो हमें दिया है वो हमने लिखा है x इक्वल टू जीरो, वन को इधर लाइए, x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब हम इस टर्म को x माइनस वन से डिवाइड करें। डिवाइड करना कल आपको सिखाया था। यहाँ पर एक्स क्यूब स्क्वायर वाला पार्ट नहीं है, इट इज प्लस जीरो एक्स स्क्वायर, उसके बाद में ये वाला माइनस सेवन एक्स और उसके बाद में प्लस सिक्स। ठीक, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर लिखिए, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब, माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस वन एक्स स्क्वायर। साइन चेंज करिए, पहले वाला टर्म कट होगा, यहां पे जीरो एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर इट इज वन एक्स स्क्वायर, उसके बाद में नीचे लेकर आइए माइनस सेवन एक्स प्लस सिक्स, ये एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, हम लिखेंगे प्लस वन एक्स, एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, माइनस वन इंटू ये इज माइनस वन एक्स। साइन चेंज, माइनस प्लस, ये वाला पार्ट कट करिए, इट इज माइनस सेवन एक्स प्लस वन एक्स, हमारे पास बच रहा है माइनस सिक्स एक्स, माइनस सेवन प्लस वन माइनस सिक्स एक्स प्लस सिक्स। यहां पर मल्टीप्लाई करने के लिए एक्स है क्या, नहीं है, माइनस सिक्स नहीं है, तो हमने यहाँ माइनस सिक्स लिखा, माइनस सिक्स इंटू एक्स इज माइनस सिक्स एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस सिक्स। साइन चेंज करिए, दोनों टर्म कट हो गए, रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो। हमें दिया है कि इट इज अ जीरो, डेफिनेटली हमारा आंसर जीरो ही आना चाहिए। अगर रिमाइंडर बच रहा है तो डेफिनेटली आपका मेथड रॉन्ग है, कट करिए, दोबारा क्वेश्चन को सॉल्व। अगर हमें दिया है कि जीरो है, इट मींस इट इज अ जीरो एंड रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक, यहां तक एक कहानी खत्म होती है। अभी जीरोस तो हमें मिले ही नहीं, हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन हमें मिला है ये वापस लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, सिक्स के फैक्टर्स अगर आप निकालेंगे तो यू विल हैव टू एंड थ्री। टू एंड थ्री के लिए इट इज एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो।
प्लस थ्री, यहां से माइनस टू कॉमन, अंदर बचा x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, इस ब्रैकेट में से x प्लस थ्री, इस में से x माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब दोनों को अलग अलग लीजिए, एक बार लिखिए x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो और x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। यहां आंसर आएगा x इक्वल टू माइनस थ्री, यहां पर आंसर आएगा x इक्वल टू टू। अब फाइनली आपको अपना आंसर देना है। Therefore, all the zeros are, पहला तो उन्होंने हमें दे रखा है वन, उसके बाद में टू और उसके बाद में माइनस थ्री। तो ऑल द जीरोज आर वन टू एंड माइनस थ्री, पता चलेगा ये हुआ आपका ऑक्टेन ऑल द जीरोज। इसके लिए जो जीरो दिया है उसके लिए हम लोग यहाँ पर ऐसा करके लिखेंगे कि इट इज इक्वल टू जीरो, मतलब जो पॉलिनोमियल है उसको अगर हम इस नंबर से डिवाइड करते हैं, इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आंसर कितना आना चाहिए, द रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू जीरो। अब जो क्वेश्चन बचा उस क्वेश्चन का स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करिए, आपको अपने आप अपना आंसर मिल जाए। चलिए नेक्स्ट, यही पैटर्न हम लोग कर रहे हैं, दिस इज द लास्ट पैटर्न। चलिए ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, सेम क्वेश्चन रहेगा, ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x रेज टू 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 x raise to 4 plus 2x cube minus 7x square minus 8x plus 12. If its zeros, if its zeros are plus 2 and minus 2, देखिए power x raise to 4, इसका मतलब highest degree 4 है, मैक्सिमम नंबर जो जीरोस के हो सकते हैं वो कितने होंगे, 4। उन्होंने हमें क्या किया, दो दे दिए, दो हमें ढूंढना है। पैटर्न क्या रहेगा, हमें डिवाइड करना है, डिवाइड करके रिमाइंडर जीरो आएगा। जो क्वेश्चन आया उसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करिए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमें दो आंसर मिलेंगे, तो दो हमने ढूंढे, दो उन्होंने दिए, टोटल हमारे पास चार आंसर आ जाए। बट क्या हम प्लस टू और माइनस टू से अलग अलग डिवाइड करेंगे, उसके लिए अपन लोग देखते हैं कि इफ टू ऑफ दो जीरोस हमें दे रखे हैं, तो फर्स्ट जीरो अल्फा, अल्फा लिखो, ए लिखो, एक्स लिखो, वाई लिखो, जो आपकी इच्छा है वो लिखिए, कोई मना नहीं, इज इक्वल टू प्लस टू एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस टू। ठीक है, ऐसा नहीं पसंद एक्स लिखिए, कोई बात नहीं, एक्स इक्वल टू प्लस टू, एक्स इक्वल टू माइनस टू, इसको इधर लाइए, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, यहां पर लिखिए एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर आप अल्फा और बीटा लोगे तो बाद में भी आपको बोलना है कि अल्फा और बीटा दोनों जीरोज ही हैं, तो हमें उन्हें बाद में चेंज करना पड़ेगा, इससे बेटर है आप यही पैटर्न यूज करिए, एक्स इक्वल टू प्लस टू, एक्स इक्वल टू माइनस टू, इधर लेकर आइए एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, इस वाले को इधर लाइए, कॉमा करके लिखते जाइए, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, दोनों जीरोस का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। जब दोनों जीरोस का मल्टीप्लीकेशन हम लोगों ने किया तो ये हो गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वापिस, दो जीरोस आपको दे रखे हैं, आपको बोला है एक्स इक्वल टू टू या एक्स इक्वल टू माइनस टू, यहां पर लेकर आइए एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, इसको भी इधर लाइए एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, ये दो जीरोस हमारे पास हो गए, दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको आइडेंटिटी लगानी है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी,
विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, फाइनली हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस फोर। अब ये वो टर्म है जिससे हमें इस पूरे वाले को डिवाइड करना है। पूरा लिखेंगे x रेस टू 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। डिवाइड कैसे कर रहे हैं, x स्क्वायर माइनस 4 से। इसे चेक कर लीजिए, 4 3 2 1 बराबर कांस्टेंट टर्म। x स्क्वायर यहां पे है x रेस टू 4, यहां पे लिखना पड़ेगा x स्क्वायर, x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर x रेस टू 4। माइनस फोर इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस फोर एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहां पर लिखती हूँ माइनस फोर एक्स स्क्वायर तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क्यूब के नीचे स्क्वायर आ रहा है, तो यहां पर नहीं लिखना। हमें यहां पर लिखना है माइनस फोर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर को लिखिए। अब साइन चेंज, ये कट हो गया, अब पूरा नीचे उतार लिया, जो बचा है पूरी भूल मत जाना कि ये ऊपर रह गया है। 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इट इज माइनस 3x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 8x प्लस 12। अब ये x क्यूब 2x क्यूब है, यहां पर हम लोग लेंगे प्लस 2x, 2 इंटू ये 2x क्यूब माइनस 4 इंटू टू एक्स इट इज माइनस एट एक्स, ये वाला छोड़ना पड़ेगा, यहां पर आइए माइनस एट एक्स माइनस प्लस, ये भी कट ये भी कट, ये वाला टर्म को नीचे लाइए इट इज माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म प्लस 12। ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, बस यहां पर एडिशनल हमारे पास आ रहा है माइनस 3, उस माइनस 3 को यहां पर लिखिए, इट इज माइनस 3x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 4 3 इज 12। साइन चेंज करेंगे, कट, रिमाइंडर बचा 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया, क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3 का फैक्टर 3 और 1 ही निकलेगा, तो हम लोग इसमें लिख रहे हैं प्लस 3x माइनस 1x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, अंदर बचा x प्लस 3, इसमें से माइनस 1 कॉमन, अंदर बचा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पहला ब्रैकेट x प्लस 3, दूसरा ब्रैकेट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक एक करके लीजिए, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू माइनस 3, दूसरा और ये वाला x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इट मींस x इक्वल टू 1। सारे जीरोस आंसर आपको देना है, सो ऑल द जीरोस आर 2 माइनस 2 माइनस 3 एंड 1। ऐसे चारों जीरोस आप लोगों को लास्ट में लिखकर देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि दो हमने जो ढूंढे वो आंसर हो गया, नहीं, चारों चार जीरोस को आप लोगों को लिख कर देना है, डू दैट। चलिए नेक्स्ट, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन हम लोग लेंगे, टेक्स्ट बुक का इट इज क्वेश्चन नंबर 3 of exercise 2.3। Question is obtain all the zeros of 3x raised to 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 3x raised to 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5। If zeros are under root of 5 by 3 and minus under root of 5 by 3,
अगेन पता चलना चाहिए आपको हाईएस्ट डिग्री 4 है, मतलब 4 जीरो होने चाहिए, 2 हो गए, 2 हम लोग ढूंढे। सेम पैटर्न, x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5/3, इधर भी कॉमा लगा के x इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 5/3, इसको इधर लाइए, x माइनस अंडर रूट ऑफ 5/3 इज इक्वल टू 0, कॉमा इसको इधर लाइए, x प्लस अंडर रूट ऑफ 5/3 इज इक्वल टू 0, ये दोनों जीरोस हो गए। अब दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करिए, x माइनस रूट ऑफ 5/3, x प्लस रूट ऑफ 5/3 इज इक्वल टू 0, a माइनस b इंटू a प्लस b, वापस आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस रूट और स्क्वायर कट होके बचेगा 5/3 इक्वल टू 0, एलसीएम लीजिए, यहां मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इस 3 को इधर मल्टीप्लाई करके छोड़ दो, कितना बचा हमारे पास, 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फाइनल टर्म जिससे हमें इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर। ये वाला क्वेश्चन अट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, मार्केट प्लीज मार्क कर लो उसे, 3x^4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, और किससे डिवाइड करना है, 3x² माइनस 5 से डिवाइड करना, 3 और 3 है, सिर्फ क्या चाहिए, x स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 3x^4, ये और ये, इट इज माइनस 5x², इसे माइनस इसे प्लस, कट करिए, ये वाला पार्ट नीचे, 6x³ माइनस 2x² प्लस 5x², इट इज प्लस 3x², ये वाला नीचे, माइनस 10x माइनस 5, अब 3 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर एक x, इट इज प्लस 2x, 3 टू जा 6x³ माइनस 5 इंटू हियर, इट इज माइनस 10x, प्लीज ध्यान से x स्क्वायर के नीचे x ना आ जाए, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, प्लीज बी अटेंटिव, खाली ये बोल देना इसीलिए मिस्टेक हो गई, तो मिस्टेक हो कैसे गई, अगर एग्जाम दे रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका पूरा ध्यान उस पढ़ाई पर होना चाहिए, ना कि ये कि सिली मिस्टेक। तो ये मिस्टेक जब आपको 10 बार समझाया जा रहा है कि ये गलती होती है, प्लीज डोंट डू दैट, तो कम से कम तब तो ध्यान रखिए कि हम ये गलती रिपीट ना करें। नीचे लेकर आइए, 3x² ये वाला माइनस 5, 3x² है, अगर भी 3x² है डायरेक्ट लिख दीजिए प्लस 1, 3x² माइनस इंटू ये माइनस 5, साइन चेंज करिए, इट इज माइनस प्लस, कट करिए, रिमाइंडर हमारे पास में बचा 0। अब क्या बच रहा है हमारे पास, जो भी क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का हमें करना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए लिखिए ये वाला टर्म, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, स्प्लिट करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसमें से x कॉमन, अंदर बचा x प्लस 1, इसमें से 1 कॉमन, अंदर बचा x प्लस 1, 8x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में भी हमारे पास बचा है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू माइनस 1, और दूसरे वाले में भी x इक्वल टू माइनस 1, तो हमारे पास सारे जीरोस कौन कौन से होंगे, ऑल द जीरोस आर अंडर रूट ऑफ 5/3 माइनस अंडर रूट ऑफ 5/3, उसके बाद माइनस 1 एंड माइनस 1, दो बार माइनस वन आ रहा है, दोनों बार उसे लिखिए, ठीक।
आज के लिए फाइव। एक क्वेश्चन सिर्फ ट्राई करेंगे आप लोग। ऑप्शनल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फोर मैं कल करवाऊंगी, बट स्टिल आज आप लोगों को प्रैक्टिस में लेकर आना है। आपको देखना है कि क्या आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए, तो वो आप लोगों का काम रहेगा। पूरा देखिए आप कर पाते हैं नहीं कर पाते। स्टार्टिंग में आप लोगों को थोड़ी सी बता देते हो, उसमें भी आप लोगों को दो जीरोज ही दे रखे हैं। क्वेश्चन यही है, टू जीरोज और पॉलिनोमियल ये जो भी पॉलिनोमियल दिया है, आर टू प्लस माइनस रूट थ्री। तो अब एक जीरो कौन सा हुआ, एक्स इक्वल टू, एक बार हमें देना है टू प्लस रूट थ्री, और दूसरे वाला जीरो हमारे पास रहेगा एक्स इक्वल टू टू माइनस रूट थ्री। ये हमारे पास दो जीरोज हो गए। अब क्या काम था हमारा, दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करने का। तो दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई किया तो टू प्लस रूट थ्री इंटू टू माइनस रूट थ्री, सॉरी इसको इधर लाना रहेंगे, एक्स माइनस टू माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो कॉमा, इसको भी एक्स माइनस टू प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास में ये दो जीरोज हो गए, एक्स माइनस टू माइनस रूट थ्री इंटू एक्स माइनस टू प्लस रूट थ्री, इन्हें मल्टीप्लाई करिए। कैसे करोगे ये आप लोगों को देखना है, आप लोगों को इसे सॉल्व करना है। इस वाले में हमारे पास में एक्स माइनस टू माइनस रूट थ्री है, इस वाले में एक्स माइनस टू प्लस रूट थ्री, ठीक ये आपका काम है कि आप लोग इसे सॉल्व करें। इसके अलावा दूसरा और भी मेथड है कि हम इसको कैसे इजी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो सब कुछ कल बताओ। लेकिन आज जो सिखाया है उसके हिसाब से आपके पास ये पैटर्न है कि एक जीरो ये है, दूसरा जीरो ये है, दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके जो भी टर्म आपके पास आएगा उससे पूरे पॉलीनोमियल को डिवाइड करना है, और फिर जो क्वेश्चन आया उस क्वेश्चन का स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का जस्ट ट्राई करके कल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।